केके कैंपस में आपका स्वागत है और आज हम लोग आपको लाए हैं आप लोगों के लिए परीक्षा। और परीक्षा एक बहुत मोस्ट चैप्टर है जिससे कि हर पेपर के लिए मोस्ट है, बैंक के लिए बहुत मोस्ट है। बने बैंक के लिए कोई बने एक ऐसे बहुत सकते हैं पांच क्वेश्चन रखा गया बैंक के लिए, अदर हर कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत मोस्ट है। और हम लोग बहुत बेसिक से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे और आइए जानते हैं परीक्षा क्या है। आज परीक्षा क्या है तो परीक्षा पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बात करूंगा आपको प्रयोग का, एक्सपेरिमेंट क्या है। तो मैं बोलूंगा कि प्रयोग क्या है, एक ऐसी संक्रिया जिससे एक सुनिश्चित परिणाम उत्पन्न होता है प्रयोग कहलाता है। इट मीन्स इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि ऐसा कार्य जिसको करने से एक निश्चित परिणाम का बोध होता है प्रयोग कहलाता है। प्रयोग दो प्रकार के होते हैं, पहला निर्धारणात्मक प्रयोग और दूसरा यदृच्छा प्रयोग। पहला निर्धारणात्मक प्रयोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा यदृच्छा प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसमें सबसे पहले जाने कि आखिर निर्धारणात्मक प्रयोग क्या है। तो मैं बात करूंगा निर्धारणात्मक प्रयोग क्या है, इसमें हेडिंग लगा लीजिएगा निर्धारणात्मक प्रयोग, निर्धारणात्मक प्रयोग डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्रयोग जिसे बार बार दोहराने पर उसका परिणाम नहीं बदलता है। एक ऐसा प्रयोग जिसको बार बार दोहराने पर उसका परिणाम निश्चित रहता है क्या कहलाएगा, निर्धारणात्मक प्रयोग कहलाएगा। या आप उस चीज को समझें, एक ऐसा प्रयोग जिसे बार बार दोहराने पर उसका परिणाम नहीं बदलता है, निर्धारणात्मक प्रयोग कहलाता है जिसका परिणाम नहीं समान। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कांच का परतना किसी भी माध्यम से कितनी बार बन निकालेंगे उसका परतना उतना ही आएगा, 1.5 आएगा। या किसी क्वेश्चन को आप किसी भी माध्यम से सॉल्व करेंगे तो उसका रिजल्ट यूनिक होगा, अर्थात उसका रिजल्ट नहीं बदलेगा, तो उसी को बोलेंगे निर्धारणात्मक प्रयोग। अगला मैं एग्जाम्पल लू आप सबके लिए कि यदृच्छा प्रयोग क्या है। यदृच्छा प्रयोग क्या है आप लोग कितना बता सकते हैं यदृच्छा प्रयोग, पहले मैं बात करूंगा यदृच्छा प्रयोग। यदृच्छा प्रयोग रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, तो एक ऐसा प्रयोग जिसको बार बार दोहराने से उसका परिणाम बदल जाता है, उसका परिणाम बदलता रहता है, यदृच्छा प्रयोग कहलाता है। लिख दूं, एक ऐसा या ऐसा प्रयोग जिसे बार बार दोहराने पर उसका परिणाम बदल
जाता है यदृच्छया प्रयोग कहलाता है। यदृच्छया प्रयोग कहलाता है। जैसे मैं फिर से बोल दूं, ऐसा प्रयोग जिसे बार बार दोहराने पर उसका परिणाम बदल जाता है यदृच्छया प्रयोग कहलाता है। जैसे मैं इस बात के एग्जांपल लूं कि एक सिक्के को उछालेंगे तो आप क्या आएगा, ये गारंटी नहीं है। एक सिक्के को उछालेंगे तो आपको हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। हेड जिधर भारत का चिन्ह होता है, पैसा जिधर, और जिसको टेल बोलेंगे। तो एक सिक्के को उछालेंगे क्या है, गारंटी नहीं है। पहली बार मैंने उछाला, हो सकता है आया हेड। दूसरी बार मैंने उछाला, हो सकता है कि टेल आ जाए। और जो मैं एक और एग्जाम्पल, जैसे आप एक पासा फेंकेंगे तो दो आ जाएगा, एक पासा फेंकेंगे तो छह आ सकता है। एक पासा मैंने फेंका, क्या है, गारंटी है, नहीं गारंटी है। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, यदृच्छया प्रयोग का। अब ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचेंगे तो कौन सा पत्ता आएगा, ये भी आप नहीं बता सकते हैं। मैं बोलू कि एक थैले में लाल गेंद की, काली गेंद, नीली गेंद रखी गई है, उसमें से एक गेंद निकालेंगे, किस टाइप की गेंद आएगी बाहर, लाल है कि नीली है, आपको एक तो आएगी, बट क्या गारंटी है, नहीं गारंटी। पहली बार लाल आ गई, क्या दूसरी बार उस गेंद, उससे एक और गेंद निकाला जाएगा तो क्या रेड ही आएगा, गारंटी है, नहीं गारंटी है। इट मीन्स ऐसा प्रयोग जिसे बार बार दोहराने से उसका परिणाम बदल जाता है, यदृच्छया प्रयोग कहलाता है। तो इससे हम आगे रिजल्ट पढ़ेंगे कि होता है मुद्दा की आउटकम, परिणाम क्या होता है, व्हाट है परिणाम, समझेंगे परिणाम क्या होता है, व्हाट क्या है परिणाम। आउटकम्स क्या है, तो मैं ऐसे बोल दूं कि यदृच्छया प्रयोग जो होता है, यदृच्छया प्रयोग जो होगा उसके जितने संभावित नमूने मिल जाए, नमूने यदृच्छया प्रयोग से संभावित सभी नमूनों को परिणाम कहते हैं। यदृच्छया प्रयोग से संभावित सभी नमूनों को परिणाम कहते हैं। जैसे मैं गया एक दुकान पर चावल लेने के लिए और मुझे एक टाइप का चावल लेना है, तो दुकानदार जितने नमूने हमारे सामने फेस करेगा वो सभी के सभी क्या है, वो परिणाम है, वो सभी के सभी परिणाम है, नमूना। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुद्दा नमूना। एक दुकानदार जितने नमूने हमारे सामने, सैंपल, उसको सैंपल बोलते हैं, तो जितने नमूने हमारे सामने रखेगा उनको क्या कहेंगे, परिणाम कहेंगे। और इसी से आउटकम से मिलकर बना है प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, सिंपल स्पेस। तो आखिर प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, तो यदृच्छया प्रयोग से संबद्ध सभी परिणामों के समुच्चय को प्रतिदर्श समष्टि का समुच्चय कहते हैं। यदृच्छया, यदृच्छया प्रयोग से संबद्ध, यदृच्छया प्रयोग से संबद्ध सभी परिणामों का समुच्चय जो होता है प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। प्रतिदर्श समष्टि के समुचे को एनएस द्वारा, प्रतिदर्श समष्टि के समुचे को एस से, प्रतिदर्श समष्टि के समुचे को एस से तथा उसके अवयवों की संख्या को एनएस द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतिदर्श समष्टि के समुचे को एस से तथा उसके अवयवों की संख्या को एनएस द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे आइए एक एग्जांपल लें आप सबके लिए, एक एग्जाम्पल है आप सबके लिए। जैसे मैं बोलूं कि पहला क्वेश्चन, एक सिक्के को
उछालने पर एस तथा एनएस होगा। एक सिक्के को उछालने पर आपको क्या क्या परिणाम मिलेंगे? तो आपको एक परिणाम हेड मिलेगा और दूसरा परिणाम टेल मिलेगा। इसका जो समूचे होता है वो एस कहलाता है। और इसमें कितने अवयव हैं? सर इसमें दो अवयव हैं, अर्थात अवयवों की संख्या। तो ये प्रदस्त समष्टि के अवयव की संख्या दो, एक सिक्का उछालेंगे तो दो के पावर अवयव की संख्या। एच क्या है? एच रिप्रेजेंट करेगा हेड को। टी क्या है? टी रिप्रेजेंट करेगा टेल को। इसको बोलते हैं शीर्ष, इसको बोलते हैं पूंछ। आप राइट कर सकते हैं। और एग्जांपल लो, दो सिक्कों को उछालने पर हेड एस या एस तथा एम एस। दो सिक्कों को उछालेंगे तो पहला सिक्का क्या क्या फेस कर सकता है? तो हेड या टेल। दूसरा सिक्का क्या क्या फेस कर सकता है? तो भी हेड या तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमें एस मिलेगा। पहली स्थिति बनेगी कि दोनों पर हेड आ जाए, हेड हेड दोनों पर हेड आ जाए। दूसरी स्थिति बनेगी कि पहले पर हेड रहे और दूसरे पर टेल आ जाए। तीसरी स्थिति बनेगी कि पहले पर टेल हो और दूसरे पर हेड हो जाए। चौथी स्थिति बनेगी कि दोनों पर टेल हो जाए। इसका मतलब ये रहा एस। और हमारे पास एनएस क्या होगा? एनएस कितने सिक्के उछाले थे? दो सिक्के उछाले थे। तो एनएस जो बनेगा दो दुनी क्या? मैं बात करूंगा तीन सिक्कों को उछालने पर। एक मैं लेवल तक बात करूंगा। तीन सिक्कों को उछालने पर एस तथा एनएस। तो तीन सिक्के उछालेंगे तो इसी तरह पहले सिक्के के लिए हेड टेल, दूसरे सिक्के के लिए भी हेड टेल और तीसरे सिक्के के लिए भी हेड टेल। अब दो से गुणा करें तो चार मिला था, और चारों से दोनों में गुणा करेंगे तो आठ। क्या मिलता है? मैं उसको लिखने की बात करूंगा। तो हेड 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 एक टेल ले लीजिए, फिर टेल इधर आ जाएगा। हेड टेल हेड टेल हेड हेड। मैं आगे बात करूं तो जैसे टेल टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल और टेल टेल तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर हमारे पास एनएस क्या होगा? एनएस होगा 2 के पावर 3। तो एन सिक्कों को उछालने पर बात हो जाएगी। एन सिक्कों को उछालने पर हम सीधे बात करें कि एनएस क्या होगा। तो एन सिक्कों को उछालने पर जो एनएस होगा वो 2 के पावर n होगा। यदि एन सिक्कों को उछालेंगे तो एनएस क्या होगा? 2 के पावर n होगा। इस बात को याद रखिए। आइए हम इसी तरह बात करते हैं पासे पर। हम बात करेंगे पासे पर। क्वेश्चन हमारा होगा पासा में कि एक पासे डाइस पासे को फेंकने एक पासे को फेंकने पर एस तथा एनएस। एक पासा फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आएगा? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पांच आ सकता है, छ आ सकता है। सर एनएस क्या होगा? तो मैं बोलूंगा एक पासा जो 6 नमूने प्रेस करेगा 6 के पावर 1 = 6। बस इतना समझे। जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये पहले जानना पड़ेगा आपको। मैं बात करूंगा आगे और दो पासों को फेंकने पर एस तथा एनएस। दो पासों को फेंकने पर एस तथा एनएस।
दो पास से फेंकेंगे तब समझे, दो पास से फेंकेंगे तो पहले स्थिति दोनों पर एक एक समझे, पहले पर भी एक आ जाए, दूसरे पर भी एक आ जाए, दोनों पर एक एक आ सकता है। पहले को फिक्स करते हैं, पहले पे एक आएगा तो दूसरे पर दो आ सकता है, पहले पे एक आएगा तो दूसरे तीसरे पर तीन आ सकता है, फिर एक चार, एक पांच, एक छ, ऐसे, फिर दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छ, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच, तीन छ, ऐसे चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छ, पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच और पांच छ, और छ एक, छ दो, छ तीन, छ चार, छ पांच, छ छ, ये है। कितने होंगे तो 36, जो हमारा एनएस मिलेगा ना, एनएस दो पास से फेंके तो दो, छह का स्क्वायर 36, तीन पास आप फेंकेंगे तो छह का क्यूब 216, ये तो ठीक है, ये आपको लिखने आना चाहिए दिमाग में है। एक बात तो जिसे आप ये रीड यहां करेंगे कि दोनों पर समान, इसमें समझा दे रहा हूं मैं, आगे बात कर रहा हूं, दोनों दो पास से जब उछाले हैं दोनों पर समान अंक आना, दोनों पर समान अंक आने की स्थिति जो बनती है ना वो छह बनती है, दोनों पर समान अंक आने की स्थिति छह बनती है, एक एक आ जाए, दो दो आ जाए, तीन तीन आ जाए, चार चार आ जाए, पांच पांच आ जाए, छह छह आ जाए, बस छह स्थिति बनेगी। इसके बाद दो पासों को फेंकेंगे ना तो अंकों का योग मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम होगा दो, अंकों का योग मिनिमम होगा दो, अंकों का योग मिनिमम क्या आ सकता है, दो आ सकता है, तो अंकों का योग दो, तो उसका इनमें मैं ऐसे बोलूं तो अंकों का योग दो आएगा तो उसकी संख्या कितना होगा, दो से एक कम, एक ही स्थिति बनेगी। उसके परिणाम कितने होंगे, अंकों के योग दो होने के परिणाम कितने होंगे, तो एक, दो अंकों का योग दो का तो परिणाम एक, अंकों का योग तीन तो परिणाम तीन से कम दो, अंकों का योग तीन है चार तो परिणाम चार से कम तीन, अंकों का योग पांच तो परिणाम पांच से कम चार, अंकों का योग छ तो परिणाम छ से कम पांच, अंकों का परिणाम, अंकों का योग सात तो परिणाम सात से कम छ, एक दो तीन चार पांच छ, एक तरीके यहां से और है सात के लिए, अब यहां से नीचे जाना होगा, तेरह में से भी सात हटाएंगे तो हमें दो स्थिति होगी। यहां तक के लिए जो बात किया जाएगा, यहां तक के लिए सात को लेकर बात करेंगे, अंकों का योग जितना बोलेगा ना उसमें से घटा देंगे, लेकिन जब इससे आगे बात करेंगे ना तो तेरह में से अंकों का योग घटा देंगे, जैसे तेरह में से मैं आगे पढ़ाऊंगा इस बात को, परीक्षा में बहुत अच्छे समझाऊंगा, सात में से छ, तेरह में से सात घटाएंगे छ, और अंकों का योग आठ, तो ये कितना होगा, अंकों का योग आठ, ये कितना होगा, तेरह में से आठ हटाएंगे पांच होगा, एक दो तीन चार पांच, अंकों का योग नौ, तो तेरह में से नौ हटाएंगे चार, ये नौ अंकों का योग नौ, अंकों का योग दस, तो तेरह में से दस हटाएंगे तीन, अंकों का योग ग्यारह, तेरह में से ग्यारह हटाएंगे दो, अंकों का योग बारह, इट मीन्स दो पासों को छालेंगे तो मिनिमम अंकों का योग दो और मैक्सिमम अंकों का क्या आएगा, बारह आएगा, तो इस तरह। अच्छा, तीन पासे फेंकेंगे तो क्या होगा, तीन पासे फेंकने पर
एनएस क्या होगा, तीन पास से फेंकने पर जो एनएस होगा वो 6 का पावर 3, तो 216। और दोनों पर समान अंक आने के लिए कितनी संख्या होगी, दोनों तीनों पर समान, तीनों पर पहले भी एक 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 दो दो दो, वो भी 6 रहेगा, एक 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 दो 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 तीन 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 छ चार 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 पांच 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 छ छ छ कुछ ही रहेगा। ये रहा आपका पासे के लिए बात। परीक्षा में बात करूंगा तो इसमें मैं इवेंट की बात करूं, घटना क्या है। एक अच्छा क्वेश्चन और बोलता हूं, एक सिक्के को फेंका जाता है, मैं बात करूं क्वेश्चन और एक, एक सिक्के को उछाला जाता है, उछाला जाता है और एक पासा, एक पासा फेंका जाता है। एक सिक्के को छाला जाता है और एक पासा, और एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है। तो एस तथा एनएस हो, तो एक सिक्का उछालेंगे, एस क्या क्या हो सकता है, हेड नहीं तो टेल, और एक पासा फेंकेंगे तो एक दो तीन चार पांच छ, तो हेड वन हेड टू हेड थ्री ऐसे, हेड फोर हेड फाइव हेड सिक्स हेड सेवन हेड सिक्स, टेल वन टेल टू। इसके बाद तो मैं यहाँ इंग्लिश में लिख सकता हूँ, इस कोष्टक में 2 आयो, इस कोष्टक में 6 आयो, 6 दुनिया 12। एक सिक्का उछाला जाता है और हेड आने, मैं कौन क्वेश्चन है राइज पढ़ दू, अच्छा यहाँ पर मैं एक सिक्का उछाला जाता है और हेड आने पर पासा फेंका जाता है। एक सिक्के को उछाला जाता है और हेड आने पर पासा फेंका जाता है, तो एस तथा एनएस बताएं, एस तथा एनएस मेन मुद्दा एनएस समझना है, एस तथा एनएस बताएं। तो हम एस तथा एनएस की बात करेंगे, तो ठीक सिक्का उछाला जाता है, सिक्का उछाला जाएगा तो कंडीशन क्या बनेगा, हेड नहीं तो, लेकिन जब हेड आता है, हेड आता है तो हेड के साथ क्या फेंका जाता है, तो हेड आता है तो हेड के साथ फेंका जाता है क्या, हेड आता है तो हेड के साथ फेंका जाता है पासा, एक दो तीन चार पांच छ। तो हम एस की बात करें तो टेल के साथ कुछ नहीं किया गया, लेकिन जैसे हेड आएगा तो पासा फेंका जाएगा, हेड वन हेड टू हेड थ्री हेड फोर हेड फाइव हेड सिक्स। इसका मतलब मैं बात कर दूं यहाँ पर कि सर एनएस क्या होगा, एनएस ये बताइए जब टेल आएगा तो कुछ नहीं होगा, टेल आएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि हेड आ गया, टेल भी आने के चांस एक बार और हेड भी आने के चांस एक बार, तो टेल आ गया तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही हेड आएगा तो हेड के साथ क्या फेंका जाएगा पासा, एक प्लस छ इक्वल टू कितना, तो इस टाइप के मैं एनएस की आज बात किया, एनएस आप क्वेश्चन कीजिए समझिए, और मैं